इंडिया में अराउंड 20% लड़कियों को PCOS है। इसका मतलब हर 5 में से एक लड़की इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, मूड स्विंग्स, फेशियल हेयर और एक्ने से हर रोज डील कर रही है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से उनका कॉन्फिडेंस तो लो होता ही है और साथ में हर वक्त स्ट्रेस भी बना रहता है। आगे चल के प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें लेने से हम PCOS को एकदम नेचुरल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। गाइस, मेरा नाम गुंजन है और मैं आई एम वाओ हेल्थ एंड फिटनेस कंपनी की फाउंडर हूं, जिसके थ्रू दुनिया भर से हजारों लोगों ने अपने वेट लॉस गोल्स को अचीव किया है। तो चलिए आज हम उन 7 फूड्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप PCOS में ले सकते हो। एक्चुअली 7 फूड्स नहीं, उन 7 फूड कैटेगरीज की बात करेंगे जो आपके हॉर्मोन्स को नेचुरल तरीके से बैलेंस करती हैं और PCOS के साथ भी वेट लूज करवा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक्स की, कुछ ऐसी मैजिकल ड्रिंक्स जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती हैं। सबसे पहले ACV वाटर, ग्रोसरी स्टोर्स में इजीली मिलने वाला फर्मेंटेड एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच आप 1 ग्लास लूक वार्म वाटर में मिला के सुबह उठ के या फिर अपने मील्स के 30 मिनट के बाद ले सकते हो। ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है और आपके डाइजेशन को किक स्टार्ट दे देता है। फिर है सिनेमन वाटर, जिसके लिए सिनेमन की 1 स्टिक यानी कि दालचीनी को आप कुछ पानी में बॉईल करके छान के ले सकते हो। देन फेन्युग्रीक वाटर, जिसके लिए ओवरनाइट मेथी दाने को पानी में सोक करके सुबह उठ के उसे स्ट्रेन करके ले सकते हो। इन्हें लेने से आपका इंसुलिन लेवल्स कंट्रोल होता है, ओवरीज की हेल्थ अच्छी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलेट होती हैं और वेट लूज करने में भी हेल्प मिलती है। तो आप इन 3 ड्रिंक्स में से हर रोज किसी ना किसी 1 ड्रिंक को ले सकते हो। अब चलते हैं सेकंड फूड कैटेगरी पे, जो कि है सीड्स। क्या आपने कभी सीड साइक्लिंग के बारे में सुना है? कुछ ऐसे सीड्स हैं जो हार्मोनल बैलेंसिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं, आपके पीरियड्स टाइम पे आते हैं, PCOD कंट्रोल हो जाता है और वेट लूज करने में भी हेल्प मिलती है। तो जो सीड्स मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हें आपने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लेना है, जिसे सीड साइक्लिंग कहते हैं। और बहुत लड़कियों ने इस सीड साइक्लिंग को फॉलो करके अपने PCOD को नेचुरली मैनेज किया है। और ये 4 सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स। आपने अपनी साइकिल के फर्स्ट 14 डेज, जिसे फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, ये एक ओवुलेशन पीरियड होता है जिस टाइम आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की डोमिनेंस होती है, तो इस वक्त आपको 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स और 1 चम्मच पम्पकिन सीड्स लेने हैं। और नेक्स्ट 15 to 28 डेज, जिसे लूटियल फेज कहते हैं, इस समय बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होते हैं, तो उसे सपोर्ट करने के लिए 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स और 1 चम्मच सेसमे सीड्स लेना है। इन सीड्स को आप रॉ, रोस्टेड, ग्राउंडेड किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, स्नैक्स की तरह भी खा सकते हो या फिर स्मूदी सैलेड्स के ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हो। अब चलते हैं 3rd फूड आइटम पे। PCOD का सबसे कॉमन सिम्टम वेट गेन, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, पर आप ही की किचन में कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जैसे कि सिनेमन, टर्मरिक, जिंजर, अश्वगंधा, जो कि हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। और PCOD जैसी प्रॉब्लम को हैंडल करने का ये एक आयुर्वेदिक उपाय है, जिसे थोड़ा टाइम क्यों ना लग जाए, बट इन हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों को लेने से ये प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि ये सभी हर्ब्स आप हर रोज किसी ना किसी फॉर्म में जरूर इंक्लूड करो। इन सभी चीजों को आप इनके नेचुरल फॉर्म में तो ले ही सकते हो और इनके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, जिन्हें लेना बहुत कन्वीनियंट होता है, पर ऐसे सप्लीमेंट्स जिन्हें लेना बिल्कुल सेफ हो। मैं आपको HK Vital PCOS बैलेंस विद हर्ब्स रेकमेंड कर सकती हूं, क्योंकि उसके अंदर बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो PCOD में हेल्प करते हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सिनेमन, फेन्युग्रीक, शतावरी, इनोसिटॉल, वेट मैनेजमेंट के लिए गार्शिनिया और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अश्वगंधा, हेल्दी हेयर और स्किन के लिए विटामिन सी, टर्मरिक, लीकोराइस, एनर्जी के लिए विटामिन B12, फॉलिक एसिड। ये सप्लीमेंट 100% नेचुरल है, जिसका 1 स्कूप 1 ग्लास ठंडे पानी में मिक्स करके आप हर रोज ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसे अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड गुंजन10 यूज करने पे आपको इस पे अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब चलते हैं 4th फूड कैटेगरी पे, जो कि है मिलेट्स, जैसे कि रागी, ज्वार और बाजरा। ये ग्लूटेन फ्री कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जिन्हें लेने से हमारी बॉडी में इंसुलिन मैनेज होता है, हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं और PCOD कंट्रोल होता है। मिलेट्स में सिंपल कार्ब्स के कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एक और रीजन है कि मिलेट्स लेने से PCOD में भी हम वेट लूज कर पाते हैं। तो इसलिए आप रागी, ज्वार, बाजरा की रोटी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। मिलेट्स का दलिया तो बनता ही है, आप डोसा भी बना सकते हैं और इस तरह की बहुत सी हेल्दी रेसिपीज आपको आई एम वाओ के YouTube चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। अब चलते हैं उस फूड कैटेगरी पे, जिसे लेने से आपका फैट बढ़ता नहीं बल्कि कम हो सकता है,
मैं बात कर रही हूँ हेल्दी फैट्स की, जो कि फैट बर्निंग और मसल बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हेल्दी फैट्स जैसे कि ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और घी, यहाँ तक नट्स और सीड्स में भी हेल्दी फैट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए पीसीओडी में आप ट्रांस या फिर प्रोसेस्ड फैट्स की जगह पे इन हेल्दी फैट्स को ही कंज्यूम करें। नेक्स्ट कैटेगरी है गट फ्रेंडली फूड्स, क्योंकि कहते हैं आपका गट ही आपका सेकेंड ब्रेन होता है। मतलब अगर आपका गट हेल्दी है तो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, इंसुलिन बैलेंस रहेगा, ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी और पीसीओडी भी कंट्रोल में रहेगा। इसलिए गट फ्रेंडली बैक्टीरिया जो कि प्रोबायोटिक्स में पाया जाता है, उसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। तो इडली, डोसा, ढोकला, घर पे बना हुआ अचार और कर्ड, इन सब चीजों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब चलते हैं सेवेंथ फूड कैटेगरी पे, पर उससे पहले क्या आपको पता है कि पीसीओडी के तीन मेजर कारण क्या हैं? सबसे पहला अनहेल्दी डाइट, एब्सोल्युटली यस। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जी हाँ। और तीसरा रीजन क्या है, अगर आप जानते हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। और तब तक मैं आपको इस सेवेंथ फूड कैटेगरी के बारे में बताती हूँ। इस कैटेगरी के अंदर आता है ग्रीन टी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज, कॉफी एंड इवन चॉकलेट्स। ये सभी फूड्स क्या करते हैं, ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि पीसीओडी का तीसरा सबसे बड़ा कारण है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, वेट गेन होता है और पीसीओडी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसलिए अपने पीस ऑफ माइंड को कभी भी लूज मत करो, जिसके लिए मेडिटेशन तो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ही। इसके साथ ये सभी फूड्स आपके माइंड को रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाती है, हॉर्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, पीसीओडी कंट्रोल हो पाता है और वेट लूज भी हो पाता है। गाइज, अब आगे आने वाली स्क्रीन्स को पॉज करके आप उनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये लिस्ट है उन फूड्स की जिन्हें आपको पीसीओडी में लेना चाहिए, ये लिस्ट है उन फूड्स की जिन्हें आपको पीसीओडी में अवॉइड करना चाहिए, और अब ये लिस्ट है उन हैबिट्स की जिन्हें अगर आप पीसीओडी में फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको काम की लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो हैज अ रिमाइंडर, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। HK Vital PCOS Balance with Herbs का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई एम बाउ प्रोग्राम में ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, फिट रहो, हिट रहो।